हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने वाले हैं आम से आइसक्रीम, बहुत ही सिंपल तरीके से। तो जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ मैंने बड़े बड़े साइज़ के आम लिए हैं। ये देखिए, इस तरीके से आपको आम लेना है। इसको अच्छे से हमने वॉश कर लिया है, अब इसको हम काट लेंगे। आम को हमें यहाँ से काट लेना है। ये देखिए, इस तरीके से हम आम को कट कर लेंगे और इसकी जो गुठली है आम की वो हम निकाल लेंगे। ये देखिए, आम की जो गुठली थी वो हमने आम में से हटा ली है। बस अब चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं अब आइसक्रीम। ये आम की आइसक्रीम बनाने के लिए, जैसे कि मैंने पैन लिया है, उसमें आधा लीटर मैंने दूध लिया है। आप कोई सा भी ब्रांड का दूध ले सकते हो। तो ये मैंने ताज़ा दूध लिया है, अब इस पैन में ऐड कर देंगे हम दूध को। दूध को हमने ऐड कर दिया है। इसको अब हमें दूध को गाढ़ा कर लेना है। एक कटोरी शुगर और दूध को हम अच्छे से पका लेंगे। ये देखिए, दूध हमारा गाढ़ा होना स्टार्ट हो गया है। तो हमें इसको और गाढ़ा कर लेना है, रबड़ी की तरह, जो जैसे हम रबड़ी बनाते हैं उस तरीके से हमें इसको दूध को थिक कर लेना है। ये देखिए, अभी थोड़ा टाइम और लगेगा इसको पकने के लिए। दूध हमारा गाढ़ा हो रहा है, तो इसी स्टेज पर हम एक चुटकी इलायची पाउडर डाल देंगे। हम दो बूंदे हम केवड़ा एसेंस की डाल देंगे। दूध को गाढ़ा करने के लिए हम एक मिल्क पाउडर, इसका 10 रुपये वाला पाउच लिया है, इसमें ऐड कर देंगे, ताकि जो हमारा दूध है गाढ़ा हो जाए जल्दी से। तो इसको हम चला लेंगे ताकि कोई लम्स वगैरह ना पड़े। जैसे कि आप देख सकते हो, दूध हमारा अच्छे से गाढ़ा हो गया है। बस इसी स्टेज पर हम गैस को कर देंगे बंद और इस दूध को जो है हम ठंडा कर लेंगे। देखिए, जो हमारी दूध की रबड़ी है वो ठंडी हो गई है। अब इसको हम डाल देंगे आम के अंदर। फिल कर देना है आपको, तो जो भी जितनी भी रबड़ी है वो हम फिल कर देंगे आम के अंदर। ये देखिए, ये आम को हमने फिल कर दिया है। ऐसे ही ये वाला आम भी हम फिल कर लेंगे। दूध की जो रबड़ी थी वो हमने आमों में ऐड कर दी है। अब इसी के ऊपर हम थोड़े से ड्राई फ्रूट ऐड कर देंगे। तो ये देखिए, ऐसे थोड़ा सा डेकोरेशन कर देंगे हम काजू बादाम पिस्ते से। तो देख सकते हो आप, थोड़ा सा हम और ऐड कर देंगे। ये देखिए, चलिए अब हम क्या करेंगे, ये जो आम के हमने ऊपर से काट कट लगाया था, इसी को हम आम के ऊपर रख देंगे। और इन आमों को हम फ्रीज़र में सेट करने के लिए रख देते हैं 7 से 8 घंटे के लिए, ताकि ये अच्छे से हमारी जो आइसक्रीम है आम की वो अच्छे से सेट हो जाए। तो हम फ्रीज़र में इसको छोड़ देते हैं। चलिए हम इसको फ्रीज़र में रख देते हैं, ये चेक कर लेंगे हम। 8 से 10 घंटे हो गए हैं, हमारी मैंगो आइसक्रीम सेट हो गई है क्या, तो चेक कर लेंगे। ये देखिए, ये कितने अच्छे से सेट हो गई है। चलिए अब इसको हम देखिए छील लेंगे। तो चलिए, इसका हम छिलका हटा लेंगे। तो इसको हम छील लेंगे, ये देखिए, ये पीस कर लेंगे हम मैंगो आइसक्रीम के। ये देखिए, इस तरीके से हमें कट कर लेना है। जैसे कि आप देख सकते हो, इसी तरीके से हम पूरे पीस कर लेंगे। ये देखिए, जैसे कि आप देख सकते हो, मैंगो आइसक्रीम हमारी बनके रेडी हो गई है। इसको हमने स्लाइस में काट लिया है। देखिए कितनी इजी रेसिपी है, आप घर में आसानी से बना सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, देखिए कितने अच्छे से ये सेट हो गई हमारी मैंगो आइसक्रीम, और बच्चों को काफ़ी पसंद आने वाली रेसिपी है। अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक लिए खुदा हाफिज़, बाय बाय।